वाटर प्योरीफायर के नाम पर नकली माल बेचने के मामले में वाड़ी पुलिस की टीम ने दुकान के एक संचालक को गिरफ्तार किया है। उसके पास करीब 3,09,000 रुपए के माल को भी जब्त किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत काटोल बाईपास रोड पर फुटपाथ पर कैंटारो वाटर प्योरीफायर के नाम पर नकली सामान बेचने का कारोबार प्लॉट नंबर 116 गणेश नगर दाभा निवासी अंकित उत्तम चंद पारती करता था। कैंटारो वाटर प्योरीफायर के नाम पर नकली सामान बेचने की जानकारी कंपनी के प्रतिनिधियों को लगने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटारो वाटर प्योरीफायर नाम का बोर्ड लगाकर नकली वाटर प्योरीफायर बेचने के मामले में दुकान के संचालक अंकित पारदी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी दुकान की जाँच की तो वहाँ से भी नकली कैंटारो वाटर प्योरीफायर मिले है। दिनांक 19/11/2021 रात्री 8 वाजता सुमारास केंट कंपनी याचे अधिकृत अधिकारी अल्ताब रोशन शेख हे पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी माहिती दिली की केंट कंपनी द्वारे बनवण्यात येणारे त्यांचे वस्तू आणि केंट आरो हे डुप्लिकेट पद्धतीने मार्केटमध्ये आणलेले आहे आणि ते वाडी हद्दीमध्ये विक्री केले जात आहे। त्यावरून त्यांनी आरोपित नामे अंकित पारदी याच्याकडून एक सौदा केला आहे की ज्यामध्ये ते केंट आरोचे काही प्रोडक्ट्स बोलवले आहे। त्यावरून त्यांनी माहिती दिली की आमच्यासोबतचा हा डुप्लिकेट माल आम्हाला देणार आहे। त्यावरून आम्ही अंकित उत्तमचंद पारदी याला पकडण्यासाठी सापळा रचला। फिर्यादी अल्ताप शेख हे आमच्या सोबत आले। त्यांनी सदर ठिकाणी आम्हाला वाडी मदीना हॉटेल समोर आम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी येऊन तुम्हाला माल देत आहे। आरोपीताने माल आणून दिल्यानंतर आम्ही त्याला ताब्यात घेतलं। त्या ठिकाणी आम्हाला केंट कंपनीचे कार्बन फिल्टर सेंटिमेंट वॉटर प्युरिफायर बॉडी अशा प्रकारचे पुष्कळ प्रमाणात केंट कंपनीचे डुप्लिकेट प्रोडक्ट मिळून आले। त्यावरून आम्ही आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याप्रमाणे पोस्टेलला 495/21 420 भादवीसह 63/65 कॉपीराइट ऍक्ट 103/104 ट्रेडमार्क ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।